जो भी अनऑथोराइज कट है हम उनको बारी बारी से बंद कर रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व है कि वो खोल रहे, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि उसे बंद करें और हम करवा भी रहे हैं। और हमारी 24 घंटे पेट्रोलिंग वैन घूमती रहती है, उसके ऊपर नज़र रखती है और जहाँ भी अनऑथोराइज कट है इमीडिएट बताकर हम बंद करते हैं। सर, जो ये सड़क पर वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारण वो भी बन रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे, हमने तो पहले ही बता दिया, जो हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है, जो वैन है, उनका सारा स्टॉक है तो वो लगा हुआ है। जैसा कुछ किसी कारण उसको जो गाड़ी वहाँ पर रुकी जाती है तो उसको हटाने की पूरा प्रयास किया जाता है। यातायात माहौल चल रहा है, पब्लिक को जागरूक कराया जा रहा है, दो पहिया वाहन वालों को हेलमेट दिया जा रहा है, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं उनको न केवल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बल्कि विभिन्न रोटरी क्लब, समाज सेवी संस्थानों और कई विद्यालयों के माध्यम से भी इस प्रकार को प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके। एक आंकड़ा मैं बता दूं, पूरे प्रदेश में अगर आप 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक का आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के हैं, 30,000 से ज़्यादा हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और करीब 20,000 से ज़्यादा जो है मृत्यु हुए हैं लोगों के, ये बहुत बड़ी संख्या है। उसी तरह से जो है हमारे यहाँ पे बस्ती में अगर देखेंगे तो 320 से ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए हैं और लगभग जो है 200 से ज़्यादा जो लोगों की मृत्यु हो चुका है, ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम थोड़ी एहतियात बरतें, थोड़ा नियमों का अनुपालन करें, थोड़ा जागरूकता लाए पब्लिक में और ये हर स्तर पे इसका जागरूकता लिया जाए तो हम लोग प्रत्येक वर्ष ये 200 जाने बचाए जा सकता है प्रत्येक जनवरी।